नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। तो आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा IBPS क्लर्क 11 2021-2022 को लेकर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, बैंक ऑफ इंडिया, BOI, अपडेटेड वैकेंसीज कितनी हो गई हैं फॉर वेस्ट बंगाल, एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। ये एक बहुत खुशखबरी की बात है वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए कि बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज बढ़ गई हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स पे भरोसा रखते हैं, प्रमाण आपके लिए जरूर लाते हैं। तो आज हम RTI की कॉपी लाए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कितनी वैकेंसीज हो गई हैं वेस्ट बंगाल में बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें आप सभी कैटेगरी की देख पाएंगे, SC, ST, OBC, EWS और जनरल की। तो आपको वो RTI की कॉपी देखकर पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसीज बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई हैं। तो ये RTI हमारी वेस्ट बंगाल के लिए है और जैसे जैसे वैकेंसीज बढ़ती जाएंगी, ये एक बहुत अच्छी बात है, उससे कट ऑफ डाउन आएगा और हम भी यही चाहते हैं कि कट ऑफ डाउन रहे और हमारे सभी सब्सक्राइबर का चयन इस बार बैंक में हो जाए, आप सभी लोगों का बैंक में एक सीट फिक्स हो जाए, यही हमारी भी कामना है। और IBPS क्लर्क की क्या सेक्शनल कट ऑफ रह सकती है, उसमें क्या सेफ अटेम्प्ट्स हैं और EWS जनरल का क्या सेक्शनल कट ऑफ है, SC ST का क्या सेक्शनल कट ऑफ है, सभी टॉपिक्स पर हमने आपको वीडियो दी हैं। उन वीडियोस में हमें आपका बहुत प्रेम, बहुत स्नेह मिल रहा है, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी जाके देखिए। IBPS PO में भी क्या कट ऑफ रह सकता है, मेंस में कितने मार्क्स ज्यादा हो और इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए, उस पर भी हमने वीडियो दिए हुए हैं। उस पर भी आपका बहुत प्रेम, बहुत स्नेह हमें मिल रहा है, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर जाके देखें। अगर आपके मेंस से 2 नंबर 4 नंबर ज्यादा है तो क्या आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इस पर भी हमने वीडियो दी हुई है। और हमें ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारा चैनल EXS यानी कि एक्स सर्विसमैन और DXS यानी कि डिपेंडेंट या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की भी कट ऑफ आप तक पहुंचाता है। ये बाकी चैनल्स पर नहीं होता है, क्योंकि इसकी कट ऑफ की डेटा निकाल पाना काफी मुश्किल आती है। तो आपको ये हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारी बातों से सहमत हो तो अपनी सहमति व्यक्त कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। अगर कोई सुधार की संभावनाएं हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, अगली वीडियोस में हम वो सुधार करने की भी प्रयत्न करेंगे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस RTI रिप्लाई पर जो कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बैंक ऑफ इंडिया का रिप्लाई आया है, इसको मैं थोड़ा ये वाला व्यू आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये RTI लगाई गई थी 24 फरवरी 2022 को, अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। देखिए इसमें क्या लिखा है, वी हैव फॉरवर्डेड योर RTI एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड फंक्शनल डिपार्टमेंट एट हेड ऑफिस एंड बेस्ड ऑन देयर रिप्लाई वी आर प्रोवाइडिंग यू द फाइनल कैटेगरी वाइज वैकेंसीज फॉर क्लर्क इंडेंटेड टू IBPS फॉर द
वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ क्लर्क अंडर सीआरपी सीएलके, यानी कि क्लर्क 11 आरएस अंडर। तो देखिए वेस्ट बंगाल स्टेट में एससी की वैकेंसीज 14 दी गई हैं, 14, एसटी की 2, ओबीसी की 18, ईडब्ल्यूएस की 4, जनरल की 41 वैकेंसीज दी गई हैं, जनरल की 41। तो इस प्रकार टोटल 79 वैकेंसीज वेस्ट बंगाल स्टेट में बीओआई द्वारा दी गई हैं। और देखिए जैसे जैसे वैकेंसीज बढ़ती जाएंगी वैसे ही कट ऑफ डाउन आता जाएगा और आप सभी का चयन हो, यही हमारी भी कामना है। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आईबीपीएस क्लर्क में हर स्टेट का कितना कट ऑफ जा सकता है उस पर भी हमने वीडियोस दी हैं। हमने वेस्ट बंगाल की अलग से वीडियो भी दी है जिसमें हमने हर कैटेगरी का क्या क्या कट ऑफ रह सकता है वो भी आपको बताया है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। अभी तक हम 17 से 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में क्या कट ऑफ रह सकता है कैटेगरी वाइज उन पर हम वीडियो दे चुके हैं। अगर आपका स्टेट मिसिंग है तो आप सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो आपके स्टेट के लिए भी हम वीडियोस जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का वीडियो हमारा था वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए कि आपकी वैकेंसीज बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बढ़ा दी गई हैं, एससी की 14 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 18 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, जनरल की 41 है। टोटल 79 वैकेंसीज इस बार बैंक ऑफ इंडिया ने दी हैं। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी सहमति असहमति भी व्यक्त कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। 1 अप्रैल को जब आपका रिजल्ट आ जाए हमारी यही कामना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कमेंट सेक्शन में आके हमें जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा बैंक अलॉट हुआ है। हमें भी उतनी ही प्रसन्नता, उतनी ही खुशी, उतना ही हर्ष होगा जितना उस समय आपको हो रहा होगा, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है प्रिपेयर विद रोहित। हमारे सभी सब्सक्राइबर हमारे लिए हमारे परिवार की तरह हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।